हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित वर्मा और आज के लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक बायंसी एंड इक्विलिब्रियम। और ये क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर ईएस में आए हुए क्वेश्चंस होंगे और हम डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन करेंगे और सॉल्व यहां पर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहले क्वेश्चन ने क्या कहा, ये क्वेश्चन लेते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या कहा कि हम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कहा इसने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, डिक्रीजेज स्टेबिलिटी, इंक्रीजेज कंफर्ट फॉर पैसेंजर्स इन शिप, डिक्रीजेज कंफर्ट फॉर पैसेंजर्स इन शिप। थोड़ी सी क्वेश्चन ही गलत है ये, थोड़ा सा इसमें जो थोड़ी सी स्टेटमेंट मिस है। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इट इज आस्किंग दैट बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ जीएम, अगर हम मेटासेंट्रिक हाइट को, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही मिस है यहाँ पर। ठीक है, इसने क्या कहा कि अगर हम मेटासेंट्रिक हाइट को बढ़ाएं तो इनमें से चार केसेस में क्या क्या पॉसिबल है। आ रही है बात समझ में, अगर हम मेटासेंट्रिक हाइट को बढ़ाएं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घटेगी, कंफर्ट बढ़ेगा या घटेगा पैसेंजर्स के लिए, ये हम दोनों, ये हमें देखना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन में मिस था कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हम मेटासेंट्रिक हाइट को बढ़ाना है हमें, तो चार केस कौन कौन से, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए उसने क्या कहा, मेटासेंट्रिक हाइट को बढ़ाना है। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जीएम से डिनोट करते हैं, एच डिस्टेंस है। इसका फॉर्मूला हमें पता है, मेटासेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, आई वाई वाई अपॉन वॉल्यूम इमर्स्ड माइनस बीजी, ये फॉर्मूला हमें पता है। इसने क्या कहा, मेटासेंट्रिक हाइट को बढ़ाना है जीएम की वैल्यू। ठीक है, एक टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या था, टू पाई अंडर रूट के स्क्वायर जी इंटू जीएम। ठीक है, जब हमने इसकी थ्योरी की थी तो मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा ऑसिलेशंस का, उतनी कम स्टेबिलिटी होगी बॉडी की। ठीक है, जितना कम स्टेबल होगा उतना कम बॉडी क्या रहेगी, जो कोई जो शिप है या बोट है वो क्या होगा, उतना ही कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो जितनी जितनी कम आपकी स्टेबिलिटी होगी उतना लेस कंफर्ट होगा पैसेंजर्स को, जितना कम। आ रही है बात समझ में ना, कि जैसे कि स्टेबिलिटी कम है उस शिप की तो कंफर्ट भी कम होगा। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसने क्या कहा, मेटासेंट्रिक हाइट को बढ़ाना है, क्वेश्चन में क्या कहा, जीएम की वैल्यू को हमें बढ़ाना है, इस जीएम की वैल्यू को बढ़ाना है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, क्योंकि हमने क्या करा, जीएम की वैल्यू को बढ़ा दिया है, क्वेश्चन में हमें कहा है टाइम पीरियड कम हो गया ऑसिलेशंस का, तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और क्या हो जाएगा, प्लस कंफर्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है हमारे, कौन कौन से आएंगे, इंक्रीजेज स्टेबिलिटी और इंक्रीजेज कंफर्ट फॉर पैसेंजर, यानी कि वन और थ्री आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, इसी से ही अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसने क्या कहा, ये क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर इंपॉर्टेंट है और ईएस 2016 में आया है। टाइम बचाने के लिए मैंने सोचा है कि ये मैं क्वेश्चन नोट नहीं करूँ, क्योंकि उसमें टाइम लगता है काफी, ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉलिड बॉडी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5, ठीक है, इज 10 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई। उसकी डायमेंशंस दी है बॉडी की और स्पेसिफिक वेट ग्रेविटी दी है इसकी 0.5। साथ साथ आप क्वेश्चन नोट करते रहें। ठीक है, व्हेन इट फ्लोट्स इन वाटर विद इट्स शॉर्टेस्ट एज वर्टिकल, इट्स मेटासेंट्रिक हाइट इज। पिछले लेक्चर में हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, लेकिन चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ईएस 2016 में अगर क्वेश्चन आया तो और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि चलो हम इस क्वेश्चन को करने लायक हुए, हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो कॉन्फिडेंस हमारा हाई होता है ऐसे। तो चलिए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसमें रख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है, क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में। हमें गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉडी की, स्पेसिफिक
ग्रेविटी कितनी दी है 0.5, तो हमें स्पेसिफिक वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.5 को 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक। ठीक है, उसके बाद बॉडी की डायमेंशन दी है, लेंथ कितनी दी है 10 मीटर दी है, ब्रेड्थ कितनी दी है इसकी 3 मीटर दी है, और हाइट कितनी दी है 2 मीटर दी है। और इसने क्या कहा, व्हेन इट फ्लोट्स इन वाटर विद इट्स शॉर्टेस्ट एज वर्टिकल, क्या कहा क्वेश्चन में, शॉर्टेस्ट एज वर्टिकल, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ मेटा सेंट्रिक हाइट। ठीक है, क्वेश्चन की सारी चीजें क्लियर होगी, ये सब चीज क्वेश्चन में है, ईएस 2016 में ये क्वेश्चन आया था। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। ये मान लेते हैं वाटर का कोई लेवल है, ठीक है, और ये बॉडी क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। क्या है ये बॉडी, क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, और इसने क्या कहा, इसकी शॉर्टेस्ट एज वर्टिकल है। तो देखो ये दो हर चीज क्वेश्चन में गिवन ही होती है, बस पढ़ने वाले की बात है वो कितनी चीजें समझ रहा है। ठीक है, और लेंथ कितनी है इसकी 10 मीटर है, ऐसे ही होगा ना, इसी तरह से अगर हम इसकी ड्राइंग बनाए तो इसी टाइप से होगी। ठीक है, और ये वाला जो व्यू होता है इसको हम कौन सा व्यू कहते हैं, प्लान व्यू कहते हैं इसका, प्लान व्यू। क्लियर है ना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मेटासेंट्रिक हाइट निकालनी है, वो भी हम निकाल देंगे, सेम न्यूमेरिकल हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं। ये हाइट 2 है तो ये हाइट हम क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे, ये वाली हाइट जो होगी जितनी ये बॉडी फ्लोट कर रही है, जितनी इसकी वॉल्यूम होगी फ्लोट। अब देखो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब थ्रस्ट निकालेंगे, उसको वेट से इसके बराबर कर देंगे, तो वहां से हम एच की वैल्यू निकाल देंगे, जो भी ये एच की वैल्यू आई। तो इसको अगर हम डायमेंशन बनाए तो इस हिसाब से होगी ना, ये जितनी ये है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। अब निकालते हैं सबसे पहले अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम जितनी इमर्ज हुई है उसको स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो वॉल्यूम इमर्ज कितनी हुई है, 3 × h × 10, इतनी तो वॉल्यूम इमर्ज हुई है, आ रही है बात समझ में, इतनी इंटू स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। ये क्या है, वाटर दिया है यहां पर, तो उसका कितना होता है 9.81 है। ठीक है, ये हो गया, यहां से ये वैल्यू आ गई। ये क्या आया हमारा, अप थ्रस्ट आया, और ये किसके बराबर होता है, इक्विलिब्रियम में वेट के बराबर होता है। वेट कितना होगा इस बॉडी का, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसने दी है हमें, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है देखो क्वेश्चन में 0.5, तो हमने स्पेसिफिक वेट निकाल दिया। तो स्पेसिफिक वेट को बॉडी की जब आप उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या जाता है, बॉडी का वेट आ जाता है। तो देखते हैं वेट क्या होगा, वेट बॉडी का जो भी स्पेसिफिक वेट है, ये इसका स्पेसिफिक वेट है, ठीक है, इंटू इसकी बॉडी की वॉल्यूम। बॉडी की वॉल्यूम क्या है, 2 × 3 × 10, ये क्या है, बॉडी की वॉल्यूम है। ठीक है, बॉडी की ये क्या है, वॉल्यूम है। यहां से एच की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आएगी देख लेते हैं एक बार, एच की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आई यहां से, 1 मीटर। एच की वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करके यहां से, 1 मीटर आएगी। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी आ गई यहां से सॉल्व करके, 1 मीटर आ गई। तो ये क्या आ गया हमारा, 1 मीटर आ गया। अब देखो ये एच की वैल्यू की कहां जरूरत पड़ी, ये हमें मेटासेंट्रिक हाइट निकालने में काम आएगा। देखेंगे इसको भी कैसे होगा, यहां से हमने एच की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, अब हमें मेटासेंट्रिक हाइट निकालनी है। मेटासेंट्रिक हाइट के लिए ये मैं आपको बता दूं, मेटासेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, जो बीएम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई अपॉन वी, आई अपॉन वी होता है। आई किसका लेते हैं, हम इस व्यू का लेते हैं, और किस हिसाब से लेते हैं, इस एक्सिस के अबाउट लेते हैं, ये मैं जब थ्योरी बताई थी बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, तो लेते हैं इसका ये आई, पहले सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, प्लान व्यू बनाते हैं इसका। प्लान व्यू बनाया,
और ये क्या है हमारा 10 मीटर है, और ये कितना है 3 मीटर है, और इस व्यू के अबाउट हमें आई वाई वाई निकालना है। आई वाई वाई कितना होगा, 10 × 3³/12, 10 × 3³। ये मैं बता चुका हूं, आई वाई वाई हमें कम वाला लेना था, आई किसका लेना, लेस लेना होता है हमें। और वॉल्यूम इमर्ज कितनी हुई देखो यहां पे, वॉल्यूम इमर्ज 3 × इसकी लेंथ इंटू ये हाइट, ठीक है, इतनी तो वॉल्यूम इमर्ज है ना, ये बाकी पार्ट तो क्या है ऊपर है वाटर, ये वाटर का लेवल ये है, ठीक है। तो वॉल्यूम इमर्ज कितनी होगी हमारी, 3 × 10 × 1, ठीक है। तो बीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई वाई वाई अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से सॉल्व करके बीएम की वैल्यू कितनी आई हमारी देख लेते हैं इसको भी, बीएम की वैल्यू हमारी आई 0.75, कितनी आ गई 0.75 आ गई बीएम की वैल्यू यहां से सॉल्व करके, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। अब बीएम क्यों निकाला हमने ये, और ये एच की वैल्यू क्यों निकाली हमने यहां से, क्यों निकाली है इसको, एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं साफ साफ यहां से। जितनी वॉल्यूम हमारी, ये अगर कोई बॉडी की डायमेंशन थी इतनी, और ये पॉइंट क्या था इसका, जी पॉइंट था, और इतने पार्ट से ये क्या है, इतने पार्ट से इमर्ज है मान लेते, ये 2 मीटर है ना पूरी, तो ये कितना है हमारा 1 मीटर है, कितनी वॉल्यूम इमर्ज है। अगर ये बी पॉइंट आपसे कोई पूछता है वो कितना होता है, जितनी भी ये हाइट होती है ना जितनी इमर्ज है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना। सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है, जितनी वॉल्यूम इमर्ज हुई है हमारी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो, यानी कि कितनी वॉल्यूम इमर्ज हुई, इतनी हुई, कितनी हाइट पे, 1 मीटर पे, तो ये जो पॉइंट होगा ये डिस्टेंस कितना होगा, 0.5 होगा, और ये भी 0.5 होगा, ठीक है ना बात, क्योंकि पूरा 1 मीटर है, तो 1 मीटर का आधा निकालना है आपने, क्योंकि एक रेक्टेंगल है ये। तो ये बीजी कितना आ जाएगा यहां से सॉल्व करके, 0.5 आ जाएगा। ये हमें क्यों निकालना पड़ रहा है बीजी की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मेटासेंट्रिक हाइट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जीएम से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, BM - BG। इसको एक डायग्राम से भी मैं आपको बता देता हूं, हमेशा इस तरह से बनाना है, एम पॉइंट ऊपर बनाना है और ये पॉइंट जी बनाना है और ये पॉइंट बी बनाना है। देखो यहां से हम बीएम निकाल चुके हैं, बीएम निकाल दिया हमने, बीजी भी निकाल दिया, 0.5 आई है, तो यहां से ये 0.25 आ जाएगा ना, क्योंकि ये कितना है बीएम 0.75 है, 0.75 - 0.5 तो कितना आ गया 0.25 मीटर आंसर। इस टाइप का सेम क्वेश्चन में हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, लेकिन एक बार चलो रिवीजन होगी इस टाइप के क्वेश्चन की फिर से, ठीक है। और ईएस में देखो ये क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, 2016 में रिसेंट ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन देखा, एक दो थ्योरी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ये तो हमने न्यूमेरिकल्स किए कुछ। देखो एक 12th क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी मेटासेंट्रिक हाइट एम से डिनोट किया, जी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बी सेंटर ऑफ बायंसी। फ्लोटिंग बॉडी की बात करें तो इसने क्या कहा, एम शुड कॉन्साइड विद बी एंड जी, एम शुड लाई बिलो बी एंड जी, एम शुड लाई अबव बी एंड जी, एम शुड लाई बिटवीन बी एंड जी। देखो इसने कहा स्टेबल, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, 2012 में ये क्वेश्चन आया, इसको भी एक बार ट्राई करते, क्या बोला, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। तो उसके लिए क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, जो मेटा सेंटर है वो क्या होना चाहिए, जी से अबव होना चाहिए। अगर ये मेटा सेंटर की पॉइंट इधर आ जाए, एम इधर आ जाए, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो एम अगर अबव है जी से वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल थ्योरी पे डिफाइन था ये, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्वेश्चन, और अच्छे से क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। ये भी सेम सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ने क्या कहा, 20th क्वेश्चन देखते हैं, एज अ शिप एंटर्स इनटू अ रिवर फ्रॉम सी,
सी से रिवर में चली गई है कोई शिप, वन कैन एक्सपेक्ट दैट इट राइजेज अ लिटिल, इट सिंक्स अ लिटिल, इट रिमेन्स एट द सेम लेवल, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से हमें इसमें लॉजिक लगाना है। क्या है क्वेश्चन? कोई भी बॉडी थी हमारी, ठीक है, शिप थी ये, शिप है ये सपोज करो, ठीक है, ये पहले ना सी में थी, अब क्या आ रही है, ये रिवर में आ जा रही है। एक बात आपको मैं बता दूं, जो आपको कॉमन सेंस से पता होना चाहिए कि सी का जो समुद्र है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेंसिटी ऑफ सी ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ रिवर, क्योंकि रिवर में साफ पानी होता है, सी में नमकीन पानी होता है, तो नमकीन पानी की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसने कहा कि अब ये रिवर में चली गई है, तो रिवर में चली गई है तो इसका जो ये लेवल है ये सिंक करेगा, थोड़ा सा राइज करेगा, ये वैसे का वैसा ही रहेगा या मेटेरियल पे डिपेंड करेगा शिप की। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। अब देखो डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा है सी में, अब डेंसिटी हमारी कम हो जा रही है, अब देखो अब शिप को डूबना तो नहीं चाहिए, यही हमारा मेन मकसद है, शिप अगर डूब जाएगी, अगर ये डूब जाएगी तो काम ही खत्म, क्वेश्चन ही गलत, लॉजिक ही गलत हो जाएगा हमारा, हमें इक्विलिब्रियम में ही रखना है बॉडी को, मतलब शिप फ्लोट ही करे, ठीक है, ऐसा नहीं कि रिवर में आके वो डूब जाएगी, ऐसा नहीं होगा, तो अगर वो डूबेगी नहीं और वो इक्विलिब्रियम में रहेगी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, क्या होता है, वेट जितना शिप का है, वेट ऑफ शिप इक्वल्स टू अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट, अब वेट तो नहीं चेंज होगा शिप का, अप थ्रस्ट में क्या चेंज आएगा देखते हैं, अप थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू जी इंटू वॉल्यूम इमर्ज्ड, यही फॉर्मूला होता है अप थ्रस्ट का, रो इंटू जी को हम स्पेसिफिक वेट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ये, ठीक है, इंटू वॉल्यूम, अब मैंने आपको कहा वेट तो सेम रहेगा, अब पहले केस में डब्ल्यू वन, पहले केस में क्या है, जब वेट बराबर क्या था, डेंसिटी सी इंटू जी इंटू वॉल्यूम वन, पहले केस में वॉल्यूम इमर्ज कितनी थी, वॉल्यूम वन थी, ठीक है, अब की बार क्या होगा, वेट तो सेम ही रहेगा, रो ऑफ रिवर इंटू जी इंटू वॉल्यूम टू, दोनों केस में वेट तो सेम ही है ना शिप का, अब थ्रस्ट अलग अलग हो गए डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से, दोनों को बराबर कर देते हैं तो क्या चीज डिफरेंस आएगी देखेंगे, रो ऑफ सी इंटू जी इंटू वी वन इक्वल्स टू रो ऑफ रिवर इंटू जी इंटू वी टू, अब मैंने आपको क्या बताया, सी की ये जो डेंसिटी है ज्यादा है, सी की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है इससे, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करने के लिए, अगर ये ज्यादा है और ये वैल्यू कम है तो आपको वॉल्यूम वी टू बढ़ाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपको दोनों टर्म्स बराबर करनी है तो इसके, अगर ये ज्यादा है ठीक है और ये कम है, अब जी तो सेम ही रहेगा, ठीक है, अगर एक वैल्यू आपकी ज्यादा है तो दूसरी क्या होगी, कम होगी, इससे यानी कि इससे क्या पता लगता है, वॉल्यूम टू ज्यादा है वॉल्यूम वन से, यानी कि जो सेकंड केस में रिवर है जो इमर्ज्ड वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ये बात समझ आ रही है ना, वी टू की वैल्यू ज्यादा कैसे होगी, अगर नहीं समझ आ रही तो इसको एक अलग तरीके से भी बता देता हूं मैं, यहां से रो एस इंटू वी वन इक्वल टू रो आर इंटू वी टू तो आ गया, ये तो समझ आ गया होगा आपको, रो एस इंटू वी वन इक्वल्स टू रो आर इंटू वी टू, इसको इस तरह से देख लेते हैं, रो एस अपॉन रो आर इक्वल्स टू वी टू अपॉन वी वन, अब रो एस की वैल्यू ज्यादा है रो आर से यानी कि ग्रेटर देन वन हो गया ये टर्म, ठीक है, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, ये वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, अब क्या चीज समझ में आई हमें, जो इमर्ज्ड वॉल्यूम है सेकेंड केस में रिवर वाले केस में, रिवर वाले केस में ज्यादा हो गया यानी कि इमर्ज्ड वॉल्यूम ज्यादा होगी यानी कि थोड़ी सी जो शिप है हमारी क्या करेगी, सिंक कर जाएगी थोड़ी सी और डूब जाएगी, और डूबने का मतलब उसकी जो इमर्ज्ड वॉल्यूम है ज्यादा हो जा रही है इसलिए वो थोड़ी सी सिंक कर जा रही है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये,
बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था। अगले लेक्चर में भी हम कुछ इसके क्वेश्चंस देखेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।